अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सब क्या हो? बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आजकल कराची का वेदर बहुत ही कुछ ज़्यादा ही अजीब सा चला है, क्योंकि बहुत ही अजीब सा वेदर है। कभी ठंड हो जाती है कि दिल चाहता है फ़ैन्स ऑफ कर दो, कभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि एसी चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और कभी इतना प्लेजेंट वेदर होता है कि बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा होता है, और समटाइम्स कभी भी बारिश भी हो जाती है। तो बहुत ही अजीब सा वेदर चल रहा है, और अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं और वेदर चेंज भी हो रहा है, तो सबकी तबीयतें बहुत ख़राब हो रही हैं। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मुझे बताएं आप लोगों की कंट्री में कैसा वेदर है, मुझे कमेंट करके बताएं। और पाकिस्तान में तो हो सकता है कि बहुत जल्द कभी भी ऐसा हो सकता है, अभी हम रात में सोए सुबह उठें तो सर्दी आ जाए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा वाला वेदर चला, बहुत ही अजीब सा वेदर है, सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं इस वेदर में, तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। और रैयान की आज आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि रैयान को मैं अभी अभी सुला के फारिग होके सुकून से आके बैठी हूँ, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ और आप लोगों से थोड़ी बातें शातें कर लूँ। और रैयान को सुलाना भी एक काम है, आप सब मदर्स मुझसे एग्री करेंगी कि बच्चे को सुलाना एक बहुत बड़ा काम होता है, है ना? कॉमेंट में यस करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं फ्री होके बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी चीज़ें भी खा लूँगी, तो मैं अभी चिप्स वगैरह खाऊँगी और कोल्ड ड्रिंक अपनी इन्जॉय करूँगी चिप्स खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करूंगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हो चुका है नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी थोड़ा। और यहाँ हमारे पास बन रहा है सुबह में नाश्ता, जो कि मेरा और हमारी फैमिली मेंबर्स में तकरीबन सबका फेवरेट है, चीला, और इसको डोसा भी बोलते हैं कुछ लोग, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ कुछ लोग आलू की भुजिया खाते हैं, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट चटनीज़ खाते हैं, और हमने इसके साथ बनाई थी आलू की भुजिया और केचप, बहुत ही यम्मी बनता है और ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये मैंने मामा से बोला था तो उन्होंने ये बना दिया मेरे लिए, ना यम्मी लग रहा है। और जी ये है मेरा नाश्ता, चीला एंड आलू की भुजिया विद केचप, यम्मी। और रियान भी मेरे साथ बैठ के खा लें, वन वन कर गया ना, बस इनको केचप खाने का शौक है, बस सिर्फ केचप। इतना छाला केचप लग गया, टिशू ला के दूँ मैं आपको? हाँ वेट, मैं आपको टिशू ला के दे रही हूँ, वेट बेटे, टिशू ला रही हूँ। ये जो छोटू से बेबी है ना, इनको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है और सिर्फ केचप खाना है, और ये टिशू का पैक लेके भाग रहे हैं, ये मेरे पीछे आके छुप गए और ये छुप गए हाँ। और इनको ना हाथ गंदे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, जैसे इनके हाथ में कुछ लगेगा ये एक बाइट खाएंगे और ख़ुद खाना है, मेरे हाथ से नहीं खाना। और जैसे ही एक बाइट खाएंगे इनको अपने हाथ साफ़ करने, तो इनके पास ना एक गार्ड रहता है बैठा हुआ साथ में, या तो मैं होती या कोई और होता, ये एक बाइट ख़ुद खाएंगे फिर इनके हाथ साफ़ करते रहो टिशूज़, और अभी ये टिशूज निकाल लें, मैं बताता हूँ अभी आपको, मैं आपकी पिटाई करूँगा, मेरे पीछे छुप के कार्रवाई चल रही है। हाँ ए छोटे बच्चे, हाँ मुझे पता ही है हंसी जो कार्रवाइयों की है ना, इनकी नोटिनस ने जिन पर जिन बलती जा रही है इनकी। यहाँ बन रही है हमारे पास खट्टी दाल बैगन वाली, और यहाँ हो रहा है गोश फ्राई, ओहो यम्स, सारे लेग पीस हैं ये, और वहाँ पे रखी है हमारे पास राइस, ये देखिए राइस भी रेडी हो चुके हैं, दाल में बस अब तड़का लगना रह गया है ना, तड़का लगना रह गया और दाल भी तकरीबन फिनिश है। और यहाँ पे हमारे पास हो रही है चिकन फ्राई, ये हम सबका, हमारे घर में जितने भी लोग हैं सबका फेवरेट खाना है। और ये है हमारे पास कपड़े जो वॉश तो हो चुके हैं, बस अब इनको फोल्ड करके रखना है, और ये छोटे छोटे कपड़े ना तय करना इतने मुश्किल होती है, देर लग जाती है इसमें सबसे ज़्यादा, बड़े तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, छोटे 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 से जो रैयान के कपड़े ना बहुत देर में होते हैं बस अब मैं इनको फोल्ड करके रखने लगी हूँ। हाँ जी बेबी, बेबी कार्टून देख ले, यश हाँ हाँ जी हाँ, ये रैयान के कपड़े, रैयान बता रहे हैं ना, ये रैयान के कपड़े हैं, रैयान बता रहे जी, आप कौन है जी आप कौन है, आप कौन है भाई साहब, आप स्कूल से आ रहे? ये बच्चा असद का वेट कर रहा है बहुत देर से जी, अरे आइए यार, अरे आइए आप स्कूल से आ रहे हैं, अभी आ नहीं रहे, देखें
वो देती है, ये दोनों बाल खाले। तो जी हम इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। ओ माय गॉड, इतनी खालिस उर्दू, जिसको इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब है कि हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में या किसी चैलेंज वीडियो में। तो मैं चैलेंज वीडियो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं और असद कल रात में बैठ के प्लान कर रहे थे कि यार हम कुछ चैलेंज वीडियोज़ करते हैं और ये चैलेंजेस करेंगे। तो हमने प्लान तो कर लिया है, बस अब उसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे चैलेंज वीडियो भी आने वाली है। सो गाइस स्टे ट्यून, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, और क्या पता वो चैलेंज वीडियो भी हो सकती है। तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रिम ब्लॉग्स। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाई।